नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है और सुबह 10 बजे विधानसभा में ये बैठक होनी है। विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में ये बैठक होगी और साथ ही सीएम भजन लाल समेत मंत्री और विधायक यहां पर मौजूद रहेंगे। बैठक में विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जयपुर से ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, जहां पर बीजेपी विधायक दलों की आज बैठक होनी है। सुबह 10 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी। विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में बैठक होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, बीजेपी विधायक दल की आज बैठक कितनी ज्यादा अहम मानी जा रही है? विपक्ष के खिलाफ क्या रणनीति तय करनी है आज इसमें? जी देखिए, जब विधानसभा सत्र चलता है तो हर मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है, जब पार्टी सत्ता में होती है। तो आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है 10 बजे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस बैठक में होंगे और पार्टी के तमाम मंत्री विधायकों को बैठक में बुलाया गया है। आज से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, यानी कि प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू होगी। तो मंत्रियों को ठीक से जवाब देने के लिए कहा गया है, क्योंकि अधिकांश मंत्री नए हैं और ऐसी सूरत में अगर कहीं पर कोई मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पाता है तो फ्लोर मैनेजमेंट बिगड़ता है। तो फ्लोर मैनेजमेंट के लिए भी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जो विधायक है उनको टिप्स देंगे, साथ ही किसी भी तरह के विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने के लिए उनका आह्वान करेंगे। साथ ही आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। तो विपक्ष जो है, जिस तरह से अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को भला बुरा कहलवाया गया है गवर्नर के हवाले से, तो उसको लेकर भी आज विपक्ष जो है वो करारा प्रहार करेगा और जो गहलोत सरकार की योजनाएं थी उनको या तो बंद करने की बात कही जा रही है या तो उसकी समीक्षा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आज विधायक दल की बैठक होनी है, विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की जाएगी, फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर एक ये बैठक बहुत अहम बुलाई जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से इस बीच बता दें, जहां पर आज विधानसभा की कार्रवाई फिर से चालू होनी है, क्योंकि पहले दिन ही विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ गई थी और कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। लेकिन आज सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल से शुरू हो जाएगी विधानसभा की कार्रवाई। शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, फिर उसके बाद अनिता भदेल सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगी। अनिता भदेल के बाद बोलेंगे बाबू सिंह राठौर। तो बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, यह भी बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, जहां पर आज विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होनी है और आसार यही लगाए जा रहे हैं कि आज जब 3 दिनों के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी, पहले दिन जब हंगामे की भेंट चढ़ गई थी ये सदन की कार्यवाही, तो 3 दिन के बाद से आज लगभग ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगी और आज सही से 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत जब की जाएगी। और जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस मौन सत्याग्रह करेगी। असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा रोकने का विरोध हो रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष में यह सत्याग्रह चलाया जाएगा। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मौन सत्याग्रह करेगी कांग्रेस, तभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करके इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है। असम में जब पहुंची थी इसका हुआ था विरोध और उसको लेकर अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, न्याय यात्रा रोकने का विरोध हो रहा है, मौन सत्याग्रह करके इसका विरोध रोका जाएगा। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज कांग्रेस मौन सत्याग्रह के साथ ही ये आपको आज आगे बढ़ाएगी। और वहीं पर आगे बढ़ते हुए, अयोध्या में कल भव्य और नव्य राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद अब आज से इसे आम लोगों के दर्शन के लिए भी खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुला रहेगा और इसके बाद फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालु दिव्य रामलला के दर्शन कर सकेंगे। दोपहर में 2.5 घंटे कपाट बंद रहेंगे। मंदिर में आरती का समय भी निर्धारित कर दिया गया है, सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, भोग आरती, फिर दोपहर 12 बजे और संध्या को भी आरती 7:30 बजे शाम को होगी। तो ये भव्य नव्य मंदिर में कल रामलला 84 सेकंड में
विधि विधान के साथ इनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वो भव्य नजारा था भगवान रामलला का, जब उनकी आंखों की पट्टी खुली, एक सौम्य, एक सुकून उनके चेहरे में दिखा और अब आम भक्तों के लिए भी रामलला के कपाट खोल दिए गए हैं। 22 जनवरी 1000 साल के बाद सांस्कृतिक इतिहास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ। 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आखिरकार हो ही गई। शहनाई की मधुर ध्वनि ने प्रभु श्री राम का स्वागत किया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद शंखों की ध्वनि ने पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। रिपोर्ट देखिए। सदियों का सपना हुआ साकार, आस्था को मिला विश्वास का आधार, मोहक मुस्कान माथे पर तिलक, हाथों में धनुष पान, भक्तों के नेत्रों को मिल गया निर्वाण, अहो भाग्य हमारे अयोध्या में श्री राम पधारे। प्रभु ने आंखें खोल दी, चारों ओर उजाला हो गया। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की ये वो तस्वीरें हैं जिसे सदियां संजोकर रखेंगी, पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी। इस अभूतपूर्व उपलब्धि की प्रसन्नता बयां करने में शब्द स्वयं को असमर्थ पा रहे थे, इसलिए न सिर्फ यजमान पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि अनुष्ठान में शामिल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, सब के सब राम लला के सम्मोहन में खो गए थे, अत्यंत भावुक दिखाई दे रहे थे। जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है, आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद, जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा। जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है। 22 जनवरी को जब जन जन के राम, कण कण के राम तंबू से निकलकर अपने भव्य महल में पधारे तो भक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। अब मैं भावुक हूं, आज तो मेरी वही स्थिति है जो वनवास से राम जी के लौटने पर वशिष्ठ जी की स्थिति थी, इससे भी क्या कहूं। असंख्य राम भक्तों ने आंसुओं से अपने आराध्य के श्री चरण कमल पखारे, लेकिन इस दृश्य तक पहुंचने में कई पीढ़ियां खप गई, कई सदियां बीत गईं। ये और बात है कि श्री राम दरबार की स्थापना का लक्ष्य आंखों से क्षण भर के लिए ओझल नहीं है। उसी का परिणाम है कि राम लला का अविश्वसनीय अकल्पनीय मंदिर आकार ले चुका है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी है। जरा सोचकर देखिए, सदियों से जिसकी पूजा होती आ रही है उसका धरती पर कोई कोना नहीं था, सबके हृदय में बसने वाले त्रिपाल में अपना दूसरा वनवास काट रहे थे। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे लाल रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। राम लला के स्वागत में हर दिल पुलकित नजर आया,
अब भला ऐसा युगांतकारी अवसर खुद तो आ सकता नहीं, इसीलिए अपने आराध्य के लिए देशवासियों ने कड़ी तपस्या की। वर्ष बीतते गए, सदियां गुजरती गईं, लेकिन संकल्प क्षण भर के लिए भी कमजोर नहीं पड़ा। राम मंदिर के निर्माण में कदम दर कदम रोड़े थे, पर राम काज की आतुरता हर संकट पर भारी थी। मुश्किलों को चीर कर आगे बढ़ने के सफर की शुरुआत 1528 से शुरू होती है, जब बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में उसी जगह पर एक मस्जिद बनाई जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। देश की बहुसंख्यक आबादी की चीख हलक में अटक कर रह गई। हिंदू समाज अपमान का घूंट पी कर रह गया। 19वीं सदी में जब मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा तो हिंदुओं ने मामला उठाया। इसके बाद रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। बलिदानियों की सांसें थमती गईं, फिर उन्होंने राम मंदिर की ओर बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया। भव्य मंदिर का स्वप्न लिए कोई अपनी संतान प्रभु को सौंपकर उनके चरणों में समर्पित हो गया तो किसी ने पुलिस की लाठियां खाई, बंदूक की गोली उसे छू कर निकल गई, जैसे आश्वस्त कर गई हो धैर्य रखो, अपनी आंखों से राम मंदिर निहारना। और तो और 150 गांव के लोगों ने राम मंदिर निर्माण तक पगड़ी और जूता नहीं पहनने का संकल्प लिया। बात सही भी थी, जो अपने आराध्य को मंदिर में स्थापित ना करा पाया वो लज्जा से झुके सिर पर पगड़ी कैसे धारण करता। किसी ने 28 साल से अन्न त्याग दिया तो किसी ने 22 वर्ष से मौन धारण कर लिया। बैतूल के एक बाबा ने तो राम मंदिर निर्माण नहीं होने तक अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया था। 491 वर्षों से अपनी छाती पर विवाद का बोझ सहती आ रही अयोध्या अब मुस्कुरा रही है तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। सदियों का संघर्ष और बलिदान साकार हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि राम भक्तों के बलिदान से ही 22 जनवरी का दिन संभव होने जा रहा है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी तादाद में वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और साथ ही रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राम की भक्ति में अंबानी परिवार भाव विभोर दिखा। अंबानी परिवार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए का दान देने की घोषणा भी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि आज भगवान राम का आगमन हो रहा है, 22 जनवरी को पूरे देश के लिए राम दिवाली होगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अपनी पत्नी श्लोका मेहता के साथ राम मंदिर में मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस बीच आपको बड़ी खबर यह बता रहे हैं कि अयोध्या में सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन हो रहे हैं और कपाट भी खुल जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम है रिलायंस परिवार की, जहां पर ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पिरामल भी मौजूद रहे। तो वीआईपी गेस्टों का जमावड़ा भी देखने को मिला। पूरा रिलायंस परिवार भाव विभोर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिखा और तमाम लोग उस दो, हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। दोनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और पूरा परिवार एक साथ मौजूद है, साथ में सचिन तेंदुलकर, तमाम वीवीआईपी गेस्ट, चाहे वो फिल्मी दुनिया को हो, चाहे वो उद्योग जगत के हों, चाहे वो खेल जगत के हों, तमाम उन बड़े लोगों को बुलाया गया था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी के लिए। तो बहुत ही अहम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरा रिलायंस परिवार भाव विभोर दिखा। पूरा रिलायंस परिवार ही क्या, जितने लोग आए थे सब भक्तिमय थे, सब कहीं ना कहीं भक्तिमय के साथ, वो भक्ति में लीन के साथ, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में जो खुशी थी उसको शब्दों के जरिए नहीं बयां किया जा सकता है, क्योंकि प्रतीक्षा लंबी नहीं बहुत ज्यादा लंबी थी और वो प्रतीक्षा कल खत्म हो गई, वो प्रतीक्षा की घटा कल छट गई।
और आज आम लोगों के लिए रामलला के कपाट खुल जाएंगे। बड़ी खबर है जहां पर अयोध्या में सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन हो रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर में भारी भीड़ जुटी है। शाम सुबह 7 बजे से कपाट खुल गया है। बहुत बड़ी प्रतीक्षा थी भक्तों के लिए कि कब वो रामलला के कपाट खुलेंगे और भगवान राम को वो कब देख पाएंगे, कब उनके स्पर्श कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर उन तमाम राम भक्तों के लिए, उन तमाम लोगों, करोड़ों श्रद्धावानों के लिए जो इंतजार कर रहे थे। आपके भी इंतजार की अब घड़ी खत्म, क्योंकि आज से सुबह 7 बजे से कपाट खुल गया है। बड़ी तादाद में, बड़ी भारी भीड़ रामलला के कपाट के सामने भक्तों की उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। 11:30 बजे आज सुबह रामलला के दर्शन तक आप हो पाएंगे और दोपहर में 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे। और आज आम लोगों के लिए रामलला के कपाट खोल दिए गए हैं। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम युग की शुरुआत हो गई है। महाउत्सव में आने वाले राम भक्तों के चेहरे खिले हुए थे। सभी ने प्रभु के आने पर खुशियां जताई। तो आइए आपको दिखाते हैं कि फिल्मी हस्तियों ने रामलला के दर्शन पर क्या कुछ कहा है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई फिल्मी सितारे परिवार के साथ पहुंचे थे। जैसे ही श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई, कंगना रनौत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जय श्री राम के जयकारे के साथ कंगना राम भक्ति में झूमने लगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत और अमिताभ बच्चन से भी मुलाकात की। पीएम ने दोनों दिग्गज सितारों से हालचाल जाना। मंदिर दर्शन के बाद सिंगर कंपोजर हरिहरन भावुक होते नजर आए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। कैलाश खेर भी अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। ये उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। हरिओम। समारोह में आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और रणबीर कपूर भी पहुंचे थे। राजकुमार हिरानी और आयुष्मान ने श्री राम के नाम का पटका भी लिया हुआ था। पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी अयोध्या पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। राम भजन मेरे घर राम आए हैं को अपनी सुनहरी आवाज से घर घर पहुंचाने वाले जुबिन नौटियाल को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न्योता मिला था। वो पहली बार प्रभु की नगरी आए। पहली बार मैं आया अयोध्या नगरी और ऐसे वक्त पे आने का मौका मिला तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए। ऐसी ऊर्जा, ऐसा आत्मविश्वास और इतना ज़्यादा स्नेह भगवान राम के लिए यहाँ देखने को मिला, मन शांत हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हेमा मालिनी भी परिवार के साथ पहुंची थी। हेमा मालिनी ने कहा कि वो इस कार्यक्रम की साक्षी बनकर खुद को बहुत धन्य महसूस कर रही हैं। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का, हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए सोनू निगम के साथ विवेक ओबराय भी नजर आए। उनके अलावा गायक और संगीतकार मलिक भी कार्यक्रम में दिखे। रामलला के दर्शन करने सुपरस्टार रामचरण और चिरंजीव भी पहुंचे थे। जैकी श्रॉफ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें रामलला के दर्शन हुए। राम मंदिर के यहाँ बुलाना भी, इतने बड़ों के साथ हमें बुला लिया, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला है, क्योंकि भक्त तो है, भक्त भक्ति रहता है। आपने तो राम के रोल बता, राम जी जी खलनायक में इंस्पेक्टर जब भी बनाओ राम ही बनाओ। राम सियावर राम जी की जय। सियावर राम जी की जय। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं टॉप चैनल।